वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो आप देख रहे हो कि दूसरे इक्वेशन में 1 बाई एक्स का कोफिशियंट है 9 और पहले इक्वेशन में है 3। सो अगर हम पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में 1 बाई एक्स का जो कोफिशियंट है वो इक्वल हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 इंटू 3 करने पे हमें मिलेगा 9 बाई एक्स प्लस 6 बाई वाई इज इक्वल टू 30। एंड इक्वेशन 2 हमारा है, इक्वेशन 2 इज 9 बाई एक्स माइनस 7 बाई वाई इज इक्वल टू 10.5। अब हम क्या करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो 9 बाई एक्स जो है वो कैंसिल हो जा रहा है एंड 6 बाई वाई प्लस 7 बाई वाई यानी कि हो जाएगा 13 बाई वाई इज इक्वल टू 30 माइनस 10.5 इज 19.5। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 13 बाई 19.5 जो कि आएगा 2 बाई 3। सो नाउ पुटिंग y is equal to 2 by 3 in equation 1. अगर हम equation 1 में y के value को put करें तो हमें मिलेगा 3 by x plus 2 by y की जगह पे हो जाएगा 2 by 3 is equal to 10 और 3 by x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पे हमें 2 कैंसिल करने पे मिलेगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 10 माइनस 3 दैट इज 7। सो हमें x का वैल्यू मिल गया है 3 बाई 7। दस x इज इक्वल टू 3 बाई 7 एंड y इज इक्वल टू 2 बाई 3। यही हमारा आंसर। थैंक यू।